मैंने द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा था मजामा मूवी के बारे में, काफ़ी सारे भारी वर्ड्स जो इंग्लिश के उसमें अंदर यूज़ किए गए थे और इतनी ज़्यादा उसके अंदर तारीफ की गई थी, तो मुझे लगा यार इसमें ऐसा क्या है, यानी कि जो मूवी है उसमें ऐसा क्या खास है कि भाई इस मूवी के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया गया, वो भी द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इतने भारी भारी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मजामा मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया। तकरीबन जो इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे 14 मिनट के आसपास रखी गई है। इस मूवी में आपको मेन भूमिका के अंदर नजर आएंगी माधुरी दीक्षित, जिन्होंने पल्लवी नाम की एक करेक्टर को प्ले किया है। अब इस मूवी की स्टोरी पे फोकस कर लेते हैं। देखो, पल्लवी और उसके पति और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का जो अमेरिका में जॉब कर रहा है और एक लड़की जिसका नाम तारा है, वो एक जेंडर के ऊपर PhD कर रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब पल्लवी की शादी को लगभग 25 से 30 साल बीत जाते हैं और एक ऐसा मोड़ आता है इसकी शादी में, या फिर कहीं कि एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर पल्लवी अपनी बेटी को कहती है कि वो एक लेस्बियन है। अब यार ये जो LGBTQ कम्युनिटी है, इनकी मैंने जैसे इनके ऊपर आधारित जो मूवीज़ मैंने देखी हैं जिसमें ये बार बार मांग करते हैं कि हमें जीने दो, भी जीने दो, जैसे इसके अंदर नारे हमें सुनने को मिलते हैं, या फिर अपने हक की मांग करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि यार कौन से हक की तुम मांग कर रहे हो और कौन सा हक मांग रहे हो और किसने तुम्हारा हक छीन रखा है। और जिस तरीके से दिखाया जाता है कि भैया हमें एक्सेप्ट करो, तो ये तो लोगों की खुद की चॉइस है ना यार, वो नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेंगे, अगर वो चाहते हैं करना तो वो करेंगे, कोई भी उनको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करवा सकता है। और बॉलीवुड में जितनी भी LGBTQ की कम्युनिटी के ऊपर आधारित मूवी आई हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्स के ऊपर ही फोकस किया है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स ही करना है और उसी से ही प्यार बनता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मतलब मुझे कोई ऐसी मूवी याद नहीं आ रही, या फिर मैंने ऐसी कोई मूवी देखी ही नहीं जिसके अंदर कि भाई कोई एक लड़की किसी लड़की को पसंद भी कर रही है तो वो किस बिहाफ पे कर रही है। अब LGBTQ की कम्युनिटी का इतना दिखा रहे थे इन बॉलीवुड मूवीज के अंदर, इस मूवी में यानी मजामा मूवी के अंदर तो ये एक स्टेप और आगे चल गए हैं। मतलब कि माँ बेटे का रिश्ता यार, उसको तो बख्श दो यार, एक माँ के रिश्ते को तो सही रहने दो, लेकिन इन लोगों ने उसके अंदर भी अपनी ऐसी सोच उसके अंदर डाल दी है। अब अपने आप को सही दिखाने के लिए ये लोग, जो भी इनको काउंटर करता है, कोई भी कहता है कि भाई मैं इसके खिलाफ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो या फिर कहेंगे उनकी एक अलग सोच, विपरीत सोच अगर दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको बड़े ही बेवकूफ दिखाएंगे। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इनके पास है नहीं, और कोई करने बैठे तो मुझे तो नहीं लगता कर भी पाएंगे, जैसे इस मूवी के मेकर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं LGBTQ की कम्युनिटी के खिलाफ हूं, देखो मैं नहीं हूं भाई, तुम्हें जैसे जीना है जियो यार, भारत के अंदर स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, तो जैसे तुम्हें जीना है वैसे जियो, जो तुम्हें अपने कमरे में करना है बेशक वो करो, लेकिन ढिंढोरा तो मत पीटो ना कि हमें एक्सेप्ट कर लो, हमें एक्सेप्ट करो, भाई कोई नहीं करना चाहता तो वो नहीं भी तो करेगा ना। यार मूवी की स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं, जब पल्लवी के परिवार को पता चलता है कि पल्लवी जो है वो लेस्बियन है, उसके परिवार वाले उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं और लोगों का रिएक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो है वो इस मूवी में हमें देखने को मिलती हैं। और जब पल्लवी को पता चल मतलब कि पल्लवी के परिवार को जब पता चलता है तो उसकी जो एक बेटी है तारा, वो उसे सपोर्ट करती है, यानी अपनी माँ को सपोर्ट करती है। और ये तारा का करेक्टर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह सकता हूँ, क्योंकि इसको देखकर तो यार भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। अब यहाँ पर मूवी की एंडिंग हम कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल है यार, आप आसानी से पता कर लोगे कि यार लास्ट में क्या होने वाला है। मूवी के जोनर के अंदर आप देखते हैं तो उसमें लिखा होगा कॉमेडी, एक कॉमेडी यहाँ पर वर्ड डाला गया है, और सच कहूँ पूरी मूवी के दौरान मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर हंसी वाली चीज़ या फिर कॉमेडी तुम इन लोगों ने डाल रखी है। हाँ बेशक आप मूवी पर जरूर हंस सकते हो, और कमाल की बात तो ये है कि जो मेकर्स हैं वो ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि इंसान अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, उसे पढ़ना लिखना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, मोटिवेशनल ऐसी कुछ चीज़ों, उन सब चीज़ों को छोड़कर बस एक ऐसी चीज़ ढूंढ कर लेकर आएंगे कि भाई हाँ जेंडर कौन सा है, ये सब चीज़ों के ऊपर वो डिस्कस करेंगे, भैया तुम्हारा जेंडर क्या है, अरे भगवान ने तुम्हें लड़का पैदा किया, नहीं नहीं तुम लड़के नहीं हो, तुम खुद डिसाइड करो कि तुम क्या हो। मतलब वो
इंसान को दूसरे रास्ते पे जरूर भटका देंगे कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे, वैसा उसको छोड़ेंगे ही नहीं। इवन बच्चों के दिमाग में भी ऐसी ऐसी बातें डाली जाती हैं, जिस तरीके के साथ उनका व्यवहार किया जाता है, वो सच में देखकर ऐसा लगता है कि यार तुम उस बच्चे की लाइफ को तो स्पॉइल मत करो ना। और इसमें एक जो करेक्टर है तारा का, जो जेंडर के ऊपर PhD वगैरह जो कर रही है, भाई साहब उसकी जैसी सोच है, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स का बार बार नाम लेना, उनके बारे में जिक्र करना, और ये सब चीज़ें जो करके वो अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते। देखो हम कितने लिबरल हैं, किस तरीके से हम अपने पार्ट्स का नाम ले सकते हैं। अरे यार कुछ चीज़ें जो हैं यार, ज़रूरी नहीं कि आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर में जो हो रहा है वो भी हम इंडियन कल्चर में लेकर आएंगे। तो ये किसने कह दिया कि वेस्टर्न कल्चर बहुत बढ़िया है, मतलब ये सोच कहाँ से आ जाती है। और ज़रूरी नहीं होता कि एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर किसी ने एक आर्टिकल लिख दिया भारी भारी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करके तो वो आर्टिकल सही होगा और उन्होंने बातें सही बोली होंगी। आप किसी को भी, इवन मुझे भी, आप अंधे होकर फॉलो ना करिए। आपके पास खुद की समझ है, पढ़िए लिखिए समझिए इन सब चीज़ों को, फिर किसी चीज़ के ऊपर अपना निर्णय बनाइए। और किसी को एक्सेप्ट करना या ना करना ये हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। हाँ आप किसी से नफरत मत करिए, आपको किसी को एक्सेप्ट करना है ठीक है, नहीं करना है तब भी ठीक है। क्या मूवी के अंदर जो मुझे अच्छी चीज़ लगी इस मजा माँ मूवी के अंदर, वो ये कि इस मूवी के अंदर सेक्स के ऊपर फोकस नहीं किया। मतलब जेंडर डिसाइड करना है इसके ऊपर तो फोकस रहा है, लेकिन सेक्स सेक्स करेंगे वो सब चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिली है, जैसे कि बॉलीवुड की दूसरी मूवीज़ के अंदर जो LGBT कम्युनिटी के ऊपर आधारित होती हैं उसमें हमें देखने को मिलती हैं। और थोड़ी बहुत इस मूवी के अंदर कॉमेडी हमें देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सबकी अच्छी रही है। तो इस बिहाव पर मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3 out of 10। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर नहीं देखा है तो आपने रिव्यू देख लिया होगा, आप खुद डिसाइड कर लिए कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।